Okay. Maryam Aurangzeb, please. What is your amendment, please? Thank you, Speaker Saab. Clause 11, Section 12, Subsection 4, ki amendment hai ji, in Finance Bill 2019 as introduced in the National Assembly. In sub-clause 22 in paragraph 10, after the serial number 154, a new serial number 155 shall be inserted, namely, and then ye item uske andar hai, 155, jo 19 items hai, inko include karne ka maine kaha hai. Aur mukhtasaran, Speaker Saab, main dono side pe baithe hue membran ki tawajjo is pe dilana chahungi ke ye na to Muslim League Noon na is taraf baithe hue People's Party aur jo mutahida opposition hai uski ye amendment hai balki isko government ko bhi consider karna chahiye. Pakistan ne 30 saal dehshatgardi ki jo jung ladi hai aur uske andar Pakistan ka jo qaumi tashakhus ke upar dhabba laga puri duniya ke andar aur pichle 5 saal Nawaz Sharif sahab wazir azam ki qiyadat mein अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले अदारों ने एक मरबूत और मजबूत तरीके से मुल्क से दहशतगर्दी ख़त्म की और दहशतगर्दी की कमर तोड़ी और हमने 2018 में एक फिल्म पॉलिसी पाकिस्तान की पहली कल्चर पॉलिसी और फिल्म पॉलिसी मुतारिफ कराई फाइनेंस बिल 2018 में और इस बिल में उस सारे को उमिट कर दिया गया है और उसके अंदर फिल्म इंडस्ट्री को टैक्स इंसेंटिव्स दिए गए थे इनकम और उसको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ दिया गया था और एक नया बयानिया देने की कोशिश की गई थी पूरी दुनिया को. इस सेक्शन में सिनेमा पिछले 30 साल में जो दहशतगर्दी मुल्क के अंदर रही उसमें सिनेमा हाउसेस को पेट्रोल पंप और शादी हॉल में कन्वर्ट कर दिया गया और उसके लिए ये अमेंडमेंट्स और टैक्स रिलीफ दिए गए थे. मेरी गुजारिश है कि पाकिस्तान को आखिरी जी स्पीकर साहब आखिरी बात है पाकिस्तान को इस वक्त इस कौमी तशख्स पूरी दुनिया में हमारा कौमी विरसा हमारी सकाफत को प्रमोट करने की ज़रूरत है लेकिन जब वक्त का हैंड पिक्ड वज़ीर आज़म नालायक और ना अहल हो और गाली देता हो धमकी देता हो तो मुल्क के अंदर कौमी तशख्स का कोई भी रोल पैदा हमाद आज़ार साहब प्लीज मैं जरा पहले इनका जवाब दे लूं जी. हाँ हमाद आज़ार साहब प्लीज. सबसे पहली बात तो ये है कि मैं इनसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि पिछले 5 साल में पाक फौज ने जो कुर्बानियाँ देकर रद्दुल फसाद और ज़ल्बुल अज़ब का जो इन्होंने एक कामयाब ऑपरेशन किया इसके बावजूद कि उस वक्त की हुकूमत गंदी गेमें खेल रही थी उस वक्त की फौज के खिलाफ हम पाक फौज को खराज तहसीन पेश करते हैं. इनके बावजूद ये कामयाब हुए इनके बावजूद. दूसरी बात ये कि यहाँ पे बात हुई लैपटॉप्स की और मोबाइल फोन्स की. लैपटॉप्स के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया गया और इस बिल में मोबाइल फोन्स के ऊपर टैक्सेस कम करने की सब्सटेंशली कम करने की तजवीज़ दी गई है. तीसरी बात ये हुई ज़ीरो रेटिंग की. हम बिल्कुल इस चीज़ से कॉग्निजेंट हैं कि ये एक सीरियस इशू है और ये रिफंड्स जनरेट होंगे और जो एग्जिस्टिंग रिफंड का मैकेनिज्म है वो ब्रोकन है उसको दुरुस्त करना पड़ेगा उसकी जगह एक नया मैकेनिज्म इन प्लेस करना पड़ेगा जो प्रेजम्प्टिव रिफंड्स की बेसिस पे हो जैसे बांग्लादेश में होता है. लेकिन ये जो ज़ीरो रेटिंग का कानून था ये उस वक्त लागू हुआ था जब आपकी जो डोमेस्टिक सेल्स थी एक्सपोर्ट सेक्टर की वो 5% थी. अब वो 40% हो चुकी हैं. उनका हुजम 1200 अरब से लेके 1800 अरब रुपये जो है वो एस्टिमेट किया जा रहा है इंटरनेशनल स्टडीज़ के मुताबिक. ये रिजीम अपनी नेचुरल लाइफ गुजार चुकी है. हम नहीं समझते कि ये रहेगी. एक्सपोर्ट्स के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया गया वो रिफंड होएगा. मौजूदा हुकूमत ने DLTL और सेल्स टैक्स के रिफंड में इस साल जो हुजम दिया है वो आज तक पहले किसी हुकूमत ने नहीं दिया था और इंशाल्लाह ताला हम जो अब नया रिफंड का मैकेनिज्म लेके आएंगे उसके अंदर कोई लिक्विडिटी का हम कोशिश करेंगे कि कम से कम मसला हो.